हेलो एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ हरीशा व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग घर से शुरू होकर घर में ही ख़त्म होने वाला है, यानी कि आज का व्लॉग घर में ही बनाया है मैंने। तो अभी सुबह का टाइम है और यहाँ मैं चाय पी रही हूँ और चाय पी के सारे काम निपटाने के बाद मैं लेके बैठी हूँ। यह शर्ट है, परीक्षा की शर्ट है और काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखी हुई थी और सुस्ती आ रही थी कि क्या बनाऊँ इसको। तो बस ऐसे ही कुछ बनाना था क्योंकि प्लेन थी तो कुछ बनाना था। तो जी फिर सोचा कि चलो आज के व्लॉग में इसी शर्ट को ही ले लेते हैं। तो निकाली है मैंने, अब सोच रही इस पर क्या बनाऊँ। तो अभी फ़िलहाल तो कुछ भी माइंड में नहीं है, कुछ हल्का फुल्का सा ही बनाऊँगी, मतलब ज़्यादा इतना भारी ना हो। ज़्यादा भारी अगर ड्रेस कर लिया तो फिर वापस से इसको रख दूँगी मैं अंदर। तो कुछ ऐसा बनाऊँगी जो जल्दी से बन जाए और अच्छा भी लगे। तो फ्रेम भी निकाल लिया, यानी कि साजो सामान मैंने निकाल लिया और ये धागे में सेट कर रही हूँ। धागे भी नए नए लेकर आए थे, घर में ही रखे हुए थे, काफ़ी धागे वगैरह रखे हुए थे। तो मैं देख रही हूँ कि इस पर कौन सा सेट होगा। ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब जो जो ठीक लगे वो मैंने निकाल लिया। ये पिंक भी अच्छा लग रहा है, अब देखूँ कौन सा लगा दूँ। अभी मैंने ड्रेस कुछ नहीं किया तो ट्रेस करूँगी, फिर उसके हिसाब से देखूँगी इस पर कौन सा कलर अच्छा लगता है। मैरून भी अच्छा लग रहा है। चलें पहले इस पर कुछ ट्रेस कर लें। मेरे ख्याल से पिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो देखती हूँ। और ये कुछ छापे पुराने रखे हुए थे, मतलब हम तो छापे ही कहते हैं वैसे, इसको क्या कहते हैं मेरे जहन से अभी निकल गया है। तो ये रखे हुए थे तो निकाल लिए, देखूँ उसमें कौन सा ऐसा है जो अच्छा भी लगे और आसान भी हो। तो आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब मुझे क्योंकि कुर्ता है तो मुझे बेल की तरह बनाना है। तो देख रही हूँ इनमें कौन सा अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे मैं लेती भी ऐसे ही जो ईज़िली बन जाए ना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो और अच्छे भी लगें, तो मुझे ये थोड़ा सही लग रहा है। तो चले मैं बाकी सारे रखती हूँ, एक सिलेक्ट करती हूँ और फिर आई थिंक ये भी अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा है। और सारे सिंपल से ही टांगे हैं क्योंकि मुश्किल तो मैं रखती ही नहीं हूँ। तो अभी एक दो घंटे के लिए फ्री हूँ तो बस यही काम कर लेती हूँ, बाद में खाना वाना बनाने के लिए उठूँगी। तो ये सुबह का फ्री टाइम है, यानी कि सफाई और सारे काम करने के बाद जो फ्री टाइम मिलता है एक दो घंटे के लिए। तो मैंने सोचा चलो ये शर्ट ही ड्रेसिंग कर लेती हूँ और थोड़ा सा शुरू कर लूँ, स्टार्ट कर लूँ। वैसे भी जिस दिन मैं ड्रेस करती हूँ उस दिन मेरा स्टार्ट करने का मूड नहीं बनता, मगर फिर भी कोशिश करूँगी कि स्टार्ट कर लूँ। आई थिंक ये सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। और मैंने यहाँ पर पेंसिल से भी ट्रेस कर लिया था क्योंकि मैंने कहा देखूँ हो सकता है उनसे ज़्यादा कोई ईजी हो जाए, तो ये भी इजी लग रहा है। आई थिंक हाँ यही बना लेती हूँ। दो तीन और भी बनाए थे मगर वो उतने ख़ास नहीं लगे और बस ये इजी लग रहा है, अब जल्दी भी बन जाएगा तो आई थिंक यही ट्रेस कर लेती हूँ। तो जी सिलेक्शन हो गई है ड्रेसिंग के, कौन सा ट्रेस करना है। वो जो ठप्पे थे बने हुए वो नहीं मैं कर रही थी क्योंकि फिर मूड चेंज हो गया था, मैंने कहा चलो यही सिंपल सा है जल्दी बन जाएगा यही करना कर रहे हैं यही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ और एक हाथ में पेंसिल की ट्रेसिंग थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो आई थिंक मैं रख दूँ इसको मोबाइल को एक तरफ और फिर इसकी ट्रेसिंग कर लेती हूँ। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि कैसा मैंने ट्रेस किया है। तो जी यहाँ पर मैंने ट्रेस कर लिया है, मैंने वाइट क्या से कहते हैं क्रियोन थे उससे किया क्योंकि पेंसिल का दिखाई नहीं दे रहा था अच्छी तरह, तो मैंने क्रियोन ले लिया है। क्रियोन से भी मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा मोटी मोटी सी लाइनिंग हो रही थी। यहाँ पर मैं मतलब मेरी बेटी की जो ड्राइंग का जो सामान था वो सारा उठा के लाई हूँ कि किसी से अच्छी तरह ट्रेस हो जाए, क्योंकि अगर ट्रेस अच्छी तरह किया हुआ होगा तो फिर बनाने में भी अच्छा लगेगा, वरना ड्रेसिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर बनाने में मूड नहीं होगा बनाने। वैसे ही मुझे थोड़ी सुस्ती सी आ रही, आलस सी आ रही थी बनाने में, और ये जो 6 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ था तो ऐसा नहीं कि फिर से वापस रख दूं और जब निकालूं तो छोटा हो चुका हो। तो
ये मैंने मार्कर से किया है मगर फिर भी नहीं आ रहा मज़ा, तो देखती हूँ किसी और से कर लेती हूँ। यहाँ पर ये भी थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है, ये भी मैं दूसरा मार्कर ले आई थी उससे किया था। और ये जो सारे धागे जो मैंने रखे थे कि ये अच्छा ये लगे ये वो अच्छा लगे, तो उन सब को मैंने एक तरफ करके ये वाइट मैंने सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ये फिर बाद में मुझे नज़र आया और जब रख के देखा तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, नुमाया भी लग रहा था। मतलब ये कि थोड़ा सा हल्का भी काम करूँगी तो वाइट कलर ज़्यादा उठेगा तो सही लगेगा आपका। तो भी जी इसी कलर को फाइनलाइज करके मैंने शुरू कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। ये एक मैंने पता बना लिया है बेल का, तो देखें कैसा लग रहा है, और आई थिंक अच्छा ही लग रहा है। और फिर मैंने इसको फिर से मोबाइल को एक तरफ रख के मैंने पूरी लाइन बना दी थी, क्योंकि ये अगर चीज़ आपको अच्छी लग रही हो टाइम भी हो तो फिर बनने में इतना देर नहीं लगती। तो मैंने एक साइड बना लिया है, मतलब साइड पूरा नहीं बना, सिर्फ ये पत्तियाँ सी बना ली हैं, उसके बीच में भी कुछ होगा। अभी फ़िलहाल मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बनाना है, तो मैंने कहा चलो फ़िलहाल तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो पत्तियाँ सी मैंने बना ली है और दूसरी साइड पे भी बना लूँगी, और फिर देखेंगे कि बीच में जो इतनी जगह इतनी गैप हो रहा है तो क्या बनाएं। तो ये भी अच्छा लग रहा है, तो बाद में देखेंगे क्या बनाएं। तो अब जी काफ़ी बन चुका है, तो मेरे ख्याल से मैं रख दूँ, अब कल बनाऊँगी कि इसके बीच में क्या बनना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और वैसे भी बार बार वीडियो बनाने में और फिर से रख के फिर से बनाने में थोड़ा टाइम काफ़ी लग गया, तो फिर वैसे भी मैंने काफ़ी बना लिया है, क्योंकि जिस दिन ट्रेस कर लूँ उस दिन वैसा वैसे भी बनाने का मूड नहीं होता। तो आज के एक दिन में तो काफ़ी कर लिया, ट्रेस भी कर लिया, धागे भी सिलेक्ट कर लिए और शुरू भी कर लिया, तो काफ़ी है। बाकी कल बनाऊँगी क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो जी बाकी अब कल बनाएंगे, जैसे ही टाइम मिलेगा तो उसको निकाल के बनाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।